एक अपने हाथों से सिलाई लगाएंगे गिलाफे काबा को। अगले साल 14-3 में जो कपड़ा लगा था वो ये था गिलाफे काबा का। हर चीज माँ ताला की बेहतरी होती है। तो आज हम लोग आए हैं एक ऐसे खूबसूरत मकाम के ऊपर जहाँ पर दुनिया के, मैं दुआ करता हूँ दुनिया के लोग आए। और थंबनेल टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा, मैं आप लोगों को खुद भी बता देता हूँ। आज हम लोग आए हैं किसवा फैक्ट्री। किसवा फैक्ट्री एक वो जगह है जहाँ पर माशा तबारकल्ला गुलाफे काबा बनता है। और आज हम लोग भी आए हैं गुलाफे काबा में एक अपने हाथ का धागा बांधने के लिए, एक अपने हाथों से जो है सिलाई लगाएंगे गुलाफे काबा को। अगले साल जब इंशाअल्लाह गुलाफे काबा हरम शरीफ के ऊपर चढ़ा जाएगा तो उसमें मेरे हाथ का भी एक धागा लगा हुआ होगा इंशाअल्लाह। और मैं तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ कि सबको ये मौका मिले गुलाफे काबा में अपने हाथ से धागा डालने का, अपने हाथ से गुलाफे काबा की सिलाई करने का। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं शेख मोहम्मद फुरकान और आप लोगों को खूबसूरत ब्लॉग में खुश आमदीद। तो अब हम लोग किसवा फैक्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। सफर जो है मैंने आप लोगों को तमाम दिखाया है, उसके अलावा इसकी लोकेशन और यहाँ पर आके बुकिंग कैसे करनी है आप लोगों ने गुलाफे काबा में जो है सिलाई करने की, तो वो उसका सारा तरीका आप लोगों को मैं इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा किसी नए ब्लॉग में। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बुकिंग लिंक्स और लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगी इंशाअल्लाह। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, बुकिंग है फॉर सेफ। यहाँ के जो रहने वाले हैं जिनके पास उनका अपना इकामा है या जो सऊदीन है वो ये बुक कर सकते हैं, ये हुजाज इकराम के लिए नहीं है। उसके अलावा अब हम लोग चलते हैं इंशाअल्लाह अंदर, आप लोगों को फैक्ट्री दिखाते हैं। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में जितना पूरा एरिया है ये सारी की सारी किस्वा फैक्ट्री है। इसके बीच में इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, अब एक जगह पे मुनाफे काबा एक जगह पे गुलाफे काबा जो है वो सिलता है, एक जगह पे उसका कपड़ा होता है, एक जगह पे गुलाफे काबा का म्यूजियम है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं। الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك عشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي14-3 में जो कपड़ा लगा था वो ये था गुलाफे काबा का।
यहाँ पर जो कताकी करते थे ये वो है, उसके बाद ये वही है, ये नीचे कताकी के ऊपर, उसके बाद ये इनकी काफ़ी सारी सारी बनी हुई है, ये चौक के निशान आप लोग को नजर आ रहे होंगे। उसके बाद जिस पर स्लाइड आते थे, ये नीचे कलर्स हैं जिनका ये इस्तेमाल करते थे, ये वो डोरी है और वो उजार है जिनसे गुलाब का काम करता था। ये देखिए, ये वो डोर है, इधर फोटो इन्होंने लगाई हुई है, जो गुलाफे काबा के नीचे डोर बंदी होती है, ये वो है, ये उजार है जिसमें गुलाफे काबा की खताती होती थी और बनते थे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मॉडल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर एक एक धागा है, ये एक धागा पड़ा है, ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गुलाफे काबा की जितनी मेकिंग उस टाइम में होती थी, उस टाइम का कपड़ा ग्रीन जो होता था इसलिए ग्रीन कलर का गुलाब भी इन्होंने रखा हुआ है। तेरी सारी सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं। अब ये हैं क्या, इनका मुझे थोड़ा अंदाजा नहीं, क्योंकि ब्लर हुआ है, वरना मैं आप लोगों को वहां पर पढ़ के दिखाऊंगा। इधर अब आप लोग ये देखें, ये भी पुराना है, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये सारी सारी उस टाइम की पेंटिंग है, उस टाइम को बुलाता था, उस टाइम को बुलाता था। سيحلى بالآيات المذهبة يتألف من 10,000 خيط وقماش يحمل ملامح التوحيد في زخارف بديعة وهو بعرض متر واحد يجمع ليكون قطعة واحدة. الآيات القرآنية الذهبية حسا ومعنى كتبت بخط الثلث الأصلي، وما أن تقترب من جمالها حتى تكتشف أن لكل خط ونقطة قصة بمداد الحبر والحرفة، حيث تكتب الآيات بمقاس محدد استعدادا لمرحلة الطباعة والتطريز. اللون الأحمر هنا يضفي خصوصية المعمل لتحضير ألواح الطباعة بجميع المخطوطات والزخارف القرآنية، وهي الملامح الأولية لتلك المخطوطات والزخارف. يشد القماش الأسود المتين على منسج خشبي وبمقاس محدد، يتغلغل اللون على القماش ليرسم دليلا واثقا يتتبعه الحرفيون المهرة. أسماك الفضة المكسوة بالذهب تعانق الخيوط القطنية الصفراء، وأسماك الفضة النقية تكسو الخيوط القطنية البيضاء لتشكل لوحة عبقرية بنصوص بارزة مكسوة بالذهب والفضة، دقيقة كرأس الإبرة تصف معادلة اليد والحرفة، لتؤكد إيمان المملكة العربية السعودية بأن الله جميل يحب الجمال. وضعنا جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله لكسوة الكعبة في عام 1347 هجرية، وأكملها أبناؤه من بعده، صنعت فارقا في تاريخ الاهتمام بالحرمين الشريفين، وأصبحت كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. طيب عندك هنا هذا منسج، هذا نموذج لكسر الكعبة إن شاء الله.
بعد الحج تركب الكعبة هذا نموذج أصلي هذا أوريجينال لسه أوريجينال إن شاء الله فينش حج ركب كعبة عندك هنا حرير هذا حرير طبعا أجود نوع الحرير من إيطاليا كان من إيطاليا جديد عندك هذا هنا ذهب وسيلفر ميكس هذا بس ريال 23 مليون. عندك هذا هنا باب الكعبة نموذج طبعا صورة هذا خلصتي هنا المتحف ده نجددوه إن شاء الله في بيفتح في الباب completed 100 years, okay? But the Bilaf Kaaba Musharrafa before come from other country, okay? Like this, I will give you some baby, used in Kaaba Musharrafa before. This one from Egypt. Egypt. Yes. From Mosul, okay? Bidaya Hind. Yes. Hind was 100 years ago. Yes. This one, this piece, it's original piece, come from Al-Hind. This one before maybe 200 years ago, but I think before, India, Pakistan, Bangladesh, one country. Yes, one country. Azawahind. Yes, okay. Here, teacher Musa, this one, chemical for test the water. Yes, I know very well. Yes, for clean the ration like this one, okay. Ration come from Italia, like this one. After clean by water, white color. Then put green color for inside Kaaba Musharrafa, like this. Also for the room for Qabr Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, like the last. Okay. Black color this one for outside. Red color for inside Kaaba Musharrafa before from India. Okay. Now green color
But read color before from India, read color, okay? Other this is symbol. This is by hand. This is by machine, like this. This is symbol, okay? Look the picture here. This picture. This is Resham by hand, like this one, okay? By hand, look. Gold, silver, this is symbol. This machine by hand for this one under Kaaba Musharrafa, okay? How is it happening? Yes. Haga Hina, this piece is original piece used in Kaaba Musharrafa before 30 years ago. But this piece no write by machine, this piece writing by his hand, Sheikh Abdul Rahim Amin. Abdul Rahim Amin, he has ni'mah min Allah, then he has gift from the government, give him any piece in Kaaba Musharrafa, write his name. Any piece, Kaaba Musharrafa, write his name. Okay? Yeah? This one for security. Hajar Aswad. Yes. Here, this is printer before machine. Abdul Rahim Amin is right here. This one after machine, by machine. Machine, this one before machine, this one machine. Okay? Explain is finished now. Do you have any question? No, only, but this one before, this is more. But Hada, he's right, look, very nice. Yes, Khattat, what is it? Important one. एक और बात कि आप लोग आए हैं यहाँ पर हमें सारे प्रोसेस में हरम की जगह है इस वक्त यहाँ पर जो पानी और जहाँ पर मंदिर वो ये बात एक और इसी के साथ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लेकिन एक आप लोग अफसोस मैं बात करता हूँ हर चीज़ माँ ताला की बेहतरी होती है कोई शक नहीं लेकिन हम लोग साथ भी आए थे वो हमारा काम नहीं हुआ इन्होंने किसी वजूहत की वजह से वो एरिया बंद किया हुआ जहाँ पर आके लोग टाका या स्टिच करते हैं कुराता काबा इन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है छापे लाने के लिए बीर खोलने खोलते का था तो मुझे नहीं पता है लेकिन छापे ला ये उम्मीद है कि पार्ट टू जरूर आएगा जिसमें आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने गुलाफ काबा को स्टिच किया इन छात्रा इन छात्रा आज फिलहाल तो यहीं पर एंड करते हैं उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा क्योंकि हरम की रिलेटेड रिलेटिव था इसके साथ एक म्यूजियम भी है कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम उसका भी ब्लॉग बनाऊँ तो आज का ब्लॉग आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें चैनल करें सब्सक्राइब अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें और अपना ख्याल रखें तय करें सब्सक्राइब जज़ाकअल्लाह खैर Thank you.